नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आप लोग देख रहे हैं मेडिलाइफ चैनल। आज लेके आए हम लोग साइपोन सिराप को कैसे आप ले सकते हैं, किस किस पर्पस में आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ साथ इसका एमआरपी कितना है, डोज कितना है और इसका साइड इफेक्ट क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आजकल बहुत सारे लोगों को देखा जाता है सही से खाना नहीं खा पाते, मतलब उसमें उनको भूख ही नहीं लगता, तो खाना कैसे खाएगा। आइए इस चीज़ के लिए आज जो मेडिसिन आए हैं साइपोन सिराप, इसको कैसे इस्तेमाल कीजिएगा, आइए आप देख लेते हैं इस मेडिसिन कैसे काम करता है हम लोगों का बॉडी में। एक्चुअली इसका कॉम्पोजिशन है क्या जिसके लिए हम लोगों को भूख लग जाता है और साथ साथ खाने का रुचि भी आ जाता है। आइए देख लेते हैं इसका कॉम्पोजिशन। साइपोन का जो कॉम्पोजिशन है, साइप्रोहेपाटिन 2 ml रहता है और साथ साथ सॉर्बिटॉल 2 ml रहता है और टेरिसोलिन सिट्रेट भी इसके साथ, एक ये तीनों कॉम्पोजिशन एक साथ आप लोगों को मिल जाएगा साइपोन सिराप में। मॉलिक्यूल जो साइपोन सिराप में मिलता है इसका प्रॉपरली वर्क है लीवर को डेवलप करना और साथ साथ लीवर का जो चाहिदा है जैसा भूख लगना और ये सब का डेवलप हो जाता है साइपोन सिराप लेने पे। ये जो साइपोन सिराप आप देख लेते हैं इसका डोज क्या है, क्या एक आदमी इसको कैसे और कितना बार दिन में इस्तेमाल कर सकता है। ये जो साइपोन सिराप है खाने से पहले सुबह एक बार और शाम को एक बार 10 ml करके दिन में 2 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं जो साइपोन सिराप है कौन सा कंपनी का ये बेस्ट प्रोडक्ट है। ये जो साइपोन सिराप है ये जिनो कंपनी का एक बेस्ट प्रोडक्ट है। ये जो साइपोन सिराप है इसको इस्तेमाल करने से पहले किसी डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। आइए देख लेते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट ज़्यादातर दिखाने देता है, कभी कभी माथा घूमना और नींद ज़्यादा होना, ये सब लक्षण देखा जा सकता है। जब भी आप लोग ये सब लक्षण देखते हैं तो प्लीज़ किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और सलाह लेने के बाद फिर से इसको इस्तेमाल कीजिएगा। आइए दोस्तों, आप देख लेते हैं इसका MRP कितना है। ये एक 200 ml का साइपोन सिराप आप लोगों को 98 rupees में मिल जाएगा। ये जो साइपोन सिराप है ये इंडिया में हर जगह लगभग मिल जाएगा, इसको इस्तेमाल कीजिए और आपको भूख बढ़ाइए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ इसको शेयर भी कीजिएगा।